रवि राणा और नवनीत राणा ने मातोश्री निवास के सामने 23 अप्रैल को हनुमान चालीसा का पाठ करने का निश्चय किया था। हालांकि शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें रोक दिया। इस मामले के बारे में अब युवा स्वाभिमान पार्टी ने पत्रकार परिषद का आयोजन किया था। इस पत्रकार परिषद में उन्होंने आगे की जानकारी दी है। क्या हनुमान चालीसा का पाठ करना देशद्रोह है? और अगर ऐसा है तो हम एक बार नहीं हजारों बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ऐसा युवा स्वाभिमान पार्टी ने आयोजित की गई पत्रकार परिषद में बताया। इस बारे में और जानकारी देते हुए बताया गया कि बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 28 मई को राणा दंपत्ति का आगमन होने वाला है। नागपुर में विभिन्न सामाजिक धार्मिक संगठनों और धर्मनिष्ठ नागरिकों की ओर से उनका स्वागत भी किया जाएगा। उसके बाद राणा दंपत्ति के लिए रैली का भी आयोजन किया गया है, जो कि बाबा साहेब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्रताप नगर चौक, लोकमत चौक, बजाज नगर चौक, शंकर नगर चौक, रामनगर, श्री हनुमान मंदिर, बाजी प्रभु चौक, रामनगर, यहाँ से निकाली जाएगी। और इस वक्त सामूहिक हनुमान चालीसा और महाआरती का भी आयोजन किया गया है। साथ ही विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा द्वारा हजारों भक्तों को हनुमान चालीसा की पुस्तिकाएं वितरित की जाएगी। देखिए, शनिवार दिनांक 28 मई को विधायक रवि जी राणा एवं सांसद आदरणीय सौभाग्य जी नवनीत जी राणा दोपहर 1 बजे नागपुर के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर उनका 1 बजे आगमन होगा। वहाँ पर विदर्भ के समूचे जिले से आए हुए पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उनका वहाँ पर स्वागत करेंगे। वहाँ से उनके वाहनों का काफिला 1:30 बजे बाजी प्रभु चौक रामनगर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाएगा। वहाँ अपने कार्यकर्ताओं समेत विधायक रवि राणा एवं सांसद नवनीत जी राणा हनुमान चालीसा पठन करेंगे, महाआरती करेंगे तथा वहाँ पर हनुमान चालीसा पुस्तिका का वितरण भी किया जाएगा। वहाँ से रविनाथ मार्ग होते हुए यह काफिला अमरावती की ओर प्रयाण करेगा। अमरावती के दिवसा तहसील में वहाँ पर दोपहर में 4 बजे पेट्रोल पंप चौक पर उनका स्वागत किया जाएगा। विदर्भ के एवं महाराष्ट्र के वंदनीय संत राष्ट्र तुकड़ोजी महाराज इनका समाधि स्थल मोजरी यहाँ पर जाकर वे लोग वहाँ पर नमन करेंगे। नांदगांवपेट MIDC, नांदगांवपेट गांव, रहाटगांव, यहाँ पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्रीराम सेना द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। और अमरावती का आगमन स्थल पंचवटी चौक पर गाड़गे नगर में अमरावती के सभी धर्मों के प्रमुख लोग एवं युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं धार्मिक विचारों को मानने वाले सभी समाज सेवक वहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। वहाँ से यह काफिला जयस्तंभ चौक, इरविन चौक स्थित विश्वरत्न महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले का अभिवादन किया जाएगा, वहाँ पर नमन किया जाएगा। और वहाँ से महात्मा गांधी जी का पुतला जयस्तंभ चौक पर जाकर वहाँ पर गांधी जी को नमन किया जाएगा। अमरावती शहर का हृदय स्थल राजकमल चौक, यहाँ पर शाम को ठीक 7 बजे अमरावती शहरवासियों द्वारा एवं अमरावती शहर की विविध सामाजिक संस्था पदाधिकारियों द्वारा राणा दाम्पत्य का एक भव्य दिव्य अनूठा स्वागत किया जाएगा। वहाँ से राजापेट चौक पर स्वागत स्वीकार कर ये राणा दाम्पत्य अमरावती के दसरा मैदान स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर सामूहिक हनुमान चालीसा पठन करेंगे। वहाँ भी महाआरती की जाएगी एवं हनुमान चालीसा 1 लाख हनुमान चालीसा पुस्तिका हम पूरे विदर्भ में वितरित करने जाने वाले हैं और वहाँ उसका शुभारंभ किया जाएगा। वहाँ से गंगा सावित्री निवास स्थान शंकर नगर में जाकर राणा दाम्पत्य अपने घर पर वहाँ पर जाकर मुक्काम करेंगे। राष्ट्रवादी के तरफ से उसी वक्त जब राणा दाम्पत्य रामनगर के हनुमान मंदिर के पास हनुमान चालीसा का पठन करने वाले हैं, उस वक्त वो महंगाई को लेकर हनुमान चालीसा पठन कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? राष्ट्रवादी कांग्रेस को हनुमान चालीसा का पठन करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, देखिए, राणा दाम्पत्य हनुमान चालीसा पठन कर रही है इसलिए अब राष्ट्रवादी को भी हनुमान चालीसा पठन करना पड़ रहा है। ये अच्छी शुरुआत हम मानते हैं, हमारी धार्मिक संस्कृति और परंपरा इसका जतन करने के लिए वो जो मुद्दे को लेकर वहाँ पर कर रहे हैं तो हमारा भी मुद्दा उनको है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल के 9 रुपये और डीजल के जो दाम कम किए हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार ने 3 पार्टी की सरकार होने के बावजूद 1.86 रुपया, 1.80 रुपया और 2 रुपये से कुछ दाम कम किए हैं। तीनों की सरकार है, अगर एक पार्टी 5-5 रुपये भी मिलाती है तो 15 रुपये से अगर दाम कम करते थे तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में महंगाई ऑटोमेटिक कम होती थी। हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, आपका स्वागत है, आइए हम भी साथ में पढ़ते हैं। आप महंगाई कम करने की बात कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बोलिए 3 पार्टी की सरकार है, 5 रुपये तुम्हारे, 15 रुपये के दाम कम करो, हम भी आपके साथ महाआरती करेंगे। VKB न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो,
बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।